तो हमारे साथ है धनराज जो कि एमपी से हैं और वो उत्तरांचल घूमने आए हैं। हम उनसे रिव्यू लेंगे, छोटा सा रिव्यू अभी तक का उनकी जर्नी का। तो धनराज, आप दिल्ली में थे, गुड़गांव में थे, आपने क्या अलग फील किया यहाँ पर उत्तरांचल अल्मोड़ा में आके? सांस अच्छे से ले पा रहे हैं तो सबसे बड़ी कामयाबी है, दिख रहा है दूर का, और हरियाली बहुत ज्यादा है। और आपको इसके अलावा और क्या पसंद है अल्मोड़ा का? वेदर ऐसे है, मतलब हरियाली इतनी सही लग रही है, सुबह का जो सुबह कभी होता है वो शानदार है। ठंडी ठंडी नहीं लगी? हाँ, ठंडी भी बहुत ज्यादा है। ठंडी का तो लगी ना। नेगेटिव पॉइंट आपको क्या लगता है अभी तक आपका कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? नेगेटिव एक्सपीरियंस ये है कि पहाड़ बहुत ही ज्यादा ऊपर है, घुटनों में खतरनाक दर्द हो रहा है ऊपर आने में, बाकी सब बढ़िया है। अच्छा, तुम क्या सोच के आए थे उत्तरांचल में जाओगे तो कैसा रहेगा? तो बराबर होगा सब कुछ, अच्छे से घूम, वो काफी ज्यादा ऊंचे है। तो अगर आप धनराज जैसी एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं उत्तरांचल कि उत्तरांचल एकदम समतल होगा, तो भाई उत्तरांचल आपके लिए नहीं। उत्तरांचल पहाड़ों से भरा हुआ है, ट्रैकिंग लवर है, माउंटेन लवर है, तो ये सिर्फ आपके लिए है। ये अभी हम लाला बाजार में हैं अल्मोड़ा के। लाल बाजार इसको लाला बाजार में स्कूल में पढ़ा था, इसके लिए मैं लाला बाजार बोलता हूँ। जब हम स्कूल में थे तो एक मैं मुंबई में था और हमारे हिंदी की बाल भारती की किताब में एक कहानी थी, इसमें अल्मोड़ा के लाल बाजार का जिक्र था, तो उसमें लाला बाजार लिखा था। अब वो पता नहीं टाइपिंग मिस्टेक था या क्या था, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक ही रहा, लाला बाजार लिखा था। और मैं बहुत खुश होता था क्योंकि अल्मोड़ा का नाम सुन के कि हमारा जिला, मेरे सबको बताता था मुंबई में कि ये हमारा जिला है, ये हमारा जिला है। और भले ही मैंने लाल बाजार को भी देखा नहीं था, जगह तो बहुत अच्छी है। वैसे तो मैं आ चुका हूँ इसलिए 4-5 बार तो लाल बाजार आ चुका हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैं कैमरे के साथ आपको भी लाल बाजार आ रहा हूँ। तो काफी सतरी गलियाँ हैं लाल बाजार की, पूरा चढ़ाई चढ़ाई चढ़ते ही जाना है, पूरा ऊपर ही चढ़ते जाना है, कहीं पे ऐसा नीचे जाना। हाँ, पूरा एकदम आजू बाजू आपको दुकानें ही दुकानें दिखेंगी, नीचे तो नहीं है ना, नीचे तो तुम नहीं जा सकते। वो देखो टॉमी देख रहा है, वैसे दिखा तो सही भाई। ये लड़की सबको इंजेक्शन लगा रही है, जो भी मार्केट में दिखता है इस लड़की से सावधान, सावधान इस लड़की से। और वहाँ आ चुके हैं नंदा देवी टेम्पल, माँ तेरे चरणों में शीश झुकाने आए हूँ। अच्छा, इन्होंने बता भी दिया है, कल दिख रहा। हाँ, तो ये है नंदा देवी टेम्पल का इंटीरियर। अब इसमें अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसके लिए मैं आपको अंदर नहीं दिखा सकता, लेकिन बाहर का मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, दिखे जा सकते, वैसे बिहार में तो कैमरा रिकॉर्डिंग कर सकते ना। हाँ, तो ठीक है। जयराम जी की, ये क्या है? अब यहाँ जूते उतार दें अपने अपने यात्रीगण, अपने सामान की खुदी। अगर आप देखिए, ये जो है यंग एज बच्चे भी यहाँ पे आते हैं अपना टाइम पास करने नंदा देवी के सामने। ठीक है, भगवान इनको अक्ल दे अच्छी वाली, पढ़ाई करें बस नहीं। देख लो, यहाँ पे फोटो खींचना मना है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हम आपको ऊपर से ही ऐसे दिखाएंगे। Thank you.
जा पे छे की भेटे चढ़ दे भेटे चढ़ दे चढ़ा दे चल प्रसाद ऐसा लीसा तुम कि मांगन बोलो जय माता की भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तो ये थी नंदा देवी। नंदा देवी को माँ दुर्गा के रूप में भी जाना जाता है और पूरे कुमाऊँ और गढ़वाल पूरे उत्तरांचल में ये बहुत ही इनको माना जाता है। और यह अल्मोड़ा का मंदिर चंद्र राजाओं के ज़माने से है, जब चंद्र राजाओं के कुल देवी के मंदिर के रूप में स्थापित है। ये मंदिर पहले मल्ला महल में था, जो आज डीएम कोर्ट है, वहाँ से इसको ब्रिटिश ऑफिसर ट्रेल ने यहाँ स्थापित करवा दिया। ओचा यह बताइए इतने मान्यता के लिए नंदा देवी नंदा और सुनंदा दी बहनी शिवल ने हिंदी में बोला इतना देख सब पत्ती के नंदा और सुनंदा दो बहने हैं। तो कैमरे में देख के एक बहन अल्मोड़ा में एक बहन नैनीताल में है। तो इसलिए इसका ज्यादा महत्व उसकी बहन नैनीताल में इसके लिए दो बहन है करके हट इनको नहीं पता है इसी टाइप से वहाँ नैनीताल में भी होगा। हाँ कुछ नहीं पता है कोई चाचा को पूछे क्यों उसको क्या है महत्व ऐसे क्या फेमस है इस मंदिर। एक मिनट पहले समझ लीजिए आप मैं तब बोलूँ जरा। हमें तो इतना ही आइडिया है कि ये चंद्रवंशों के राजाओं के समझ का मंदिर है। और मंदिर में शायद गढ़वाल विक्ट्री जो हुई थी विजय वहाँ से नंदा देवी की मूर्ति लाए थे। अच्छा वो यहाँ स्थापित की थी। हाँ 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 तो बहुत पुरानी मूर्ति है। बहुत पुरानी मूर्ति है। हाँ 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 पुरानी मूर्ति है। उसमें भैरव की भी एक मूर्ति थी। अच्छा तो भैरव की मूर्ति तो उन्होंने यहाँ बाजार में रख दिया ऊपर और नंदा देवी की मूर्ति यहीं स्थापित है। हाँ 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 तो काफी पुरानी मूर्ति है। ये कब अंग्रेजों के जमाने से पहले की है? अंग्रेजों के जमाने के पहले की है किस जमाने से पहले की? अंग्रेजों के जमाने के अंग्रेजों का यार ये तो नहीं उसी के पीरियड की होगी। राजा महाराजा के जमाने से है ना ब्रिटिश पीरियड की होगी। हाँ हाँ चलिए थैंक यू सो मच आप बताने के लिए। वो यही चालू होता है। जब मेला कब हुई थी? सितंबर में। सितंबर कब तारीख? सितंबर पंचमी। तो पंचमी पंचमी होनी तो सितंबर में पंचमी आती है। पकुआ पंचमी शुक्ल पक्ष की पंचमी उस दिन यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है। हाँ ये है वो क्या बोलते हैं उधो चंद्रेश्वर वो होगा ये मंदिर और वो पातालेश्वर ये काफी पुराना मंदिर है। चला वो देखो ले भगवान मंदिर नहीं देख दे मैं गेट पर ठहरेगी
अच्छा ये गेट पे तो जाओ तो गेट पे देखो तो अरे रुक तो सही भाई। जय शिव शंकर जय भोलेनाथ। ये है पाताबेश्वर मंदिर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो काफी सुना पड़ा है टूरिज्म के हिसाब से। आप आइए यहाँ पे घूमिए देखिए इन पुरानी सिटी को जो शायद आपको पता भी ना हो ऐसी ऐसी पुरानी चीजें हैं यहाँ पे। ये काफी पुराना मंदिर ये है। अब हम जा रहे हैं बुडेन चर्च। यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते आप। ओ भाई भालारचा वो सबसे बढ़िया बात ये है ना कि अल्मोड़ा के जो ये पुराने स्थल हैं इनको जरा सा भी मॉडर्न टच देने की कोशिश नहीं की गई है। ये जैसे थे वैसे ही हैं। अंदर जाने लग रही है बस इनको मेंटेन रखा गया है पुरानी चीजों को भी। तेरे को लगता है उससे कोई फर्क नहीं। उत्तरांचल में ये नींबूज भी होते हैं बड़े बड़े वाले तो इनका हम लोग यहाँ पे रायता बनाते हैं और काफी हॉट इन नेचर होता है। ठंड प्रदेश वाले जो लोग रहते हैं वो उसको पसंद काफी करते हैं। दही मिलाते हैं नींबू को पूरा ऐसा पीसिस करके उसमें दही मिलाते हैं और पीसा हुआ नमक डालते हैं जो क्रिस्टल नमक होता है उसको पीसते हैं। धनिया कच्चा धनिया मिर्ची कच्ची हरी मिर्च लहसुन प्याज इसमें सब पीसते हैं और उसको मस्त एकदम पेस्ट बनाते हैं एकदम बढ़िया सा उसका चूरा चूरा बूरा बूरा और उसके बाद उसको उसमें डालते हैं पीसा हुआ नमक बोलते हैं उसको तो एकदम ऐसा होता है एकदम मस्त। वो पानी आ गया मेरे तो। मिस्टेक हो गई हमसे बड़ी मिस्टेक हो गई। हमने सोचा आज संडे है पर आज शनिवार था। मजा कर रहा हूँ ये रिसर्च ऐसा संडे को ही खुलता है तो आप संडे ही आइए हम भी कल आके दिखाएंगे आपको वापस अगर आ सके तो। बाकी जो है आपने देख ही लिया ये चर्च है काफी खूबसूरत चर्च है। मैं इसको एक बार विजिट कर चुका हूँ मैं भूल गया था कि ये संडे को खुलता है। अरे आज बंद था कल तो हम नहीं आएंगे कल मैं आएंगे अकेले। नहीं क्या भगवान का नाम तो फादर उन्होंने तो अब हम चलेंगे लाल बाजार अल्मोड़ा का लाल बाजार और वहाँ पर जाके हम करेंगे कुछ शॉपिंग देखते हैं क्या खरीद सकते हैं हम। और हमारे साथ है चंपा गोस्वामी जो हमको बताएंगे हमारी गाइड जो हमको बताएंगे कि क्या खरीदना है कितने का खरीदना है क्या सही रहेगा। ठीक है तो चलते हैं अल्मोड़ा के लाला बाजार में मिलते हैं आपसे।